अगली खबर में बात करते हैं रीवा जिले की, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा साफ सफाई को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन सांसद क्या संदेश देना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं हो पाता। सांसद खुले हाथों से शौचालय साफ करना शुरू कर देते हैं तो कभी टेबल साफ कर बच्चों को नहलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि 2014 में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी सांसद को बनाया जा चुका है। ताजा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया जब गुरुवार को टॉयलेट की सफाई की सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद जनार्दन मिश्रा मऊगंज खटकरी क्षेत्र पहुंचे थे, वहां शासकीय बालिका विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें विद्यालय का शौचालय गंदा दिखाई पड़ा, यह देख अपने हाथों से ही टॉयलेट की सफाई करने में जुट गए। अपनी बयानबाजी और कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी सांसद सुर्खियों में रहते हैं। कई बार विद्यालय के शौचालय की सफाई जहां कर चुके हैं, वहीं हाल ही में शहर के वार्ड क्रमांक 9 की गंदगी को साफ करने का कार्य किया था। किसी भी जन प्रतिनिधि और सेलिब्रिटी को कोई मैसेज देने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं, लेकिन सांसद जनार्दन मिश्रा खुले हाथों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना ग्लव्स ही शौचालय सफाई करते दिखे। क्या जनार्दन मिश्रा यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास शौचालय गंदा दिखे तो खुले हाथों से ही सफाई शुरू कर दें, जबकि सरकार साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? क्या जो सफाई के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं उनसे सफाई नहीं हो पा रही है? क्या सांसद जनार्दन मिश्रा को जनता ने जिले की समस्याओं को संसद में उठाने की बजाय शौचालय और नालियों की साफ सफाई का जिम्मा दिया है? एक मैसेज पहुंचाने तक बात उचित लगती है। किसी भी स्थान पर जाकर शौचालय, नाली, टेबल, किसी बच्चे को नहलाना, साफ सफाई करना कहां तक उचित है? जबकि कई बार देखा जा चुका है कि जहां सांसद इस तरह के कार्य किए हैं, वहीं कुछ दिनों के बाद जस की तस स्थित हो जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सांसद के इस संदेश का कोई असर यहाँ के लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। फिर ऐसे में सांसद स्वयं सफाई कर क्या संदेश देना चाहते हैं यह तो वही जाने। आप भी देखिए सफाई पसंद सांसद का वीडियो।